से हमने 5 साल काम किए हैं हमारे विधायक के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और आज जिस हिसाब से केंद्र की गवर्नमेंट आप हर जगह पैसा दे रही है, मैं समझता हूँ उसी के नाते आज जनता के अंदर विश्वास है। और माननीय मोदी के नेतृत्व में सब लोग चाहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूँ। जिस हिसाब की आपने बात की है उसमें कोई दोहरा की बात नहीं। अगर नगर परिषद में आज मैं देखूँ 14 वित्त आयोग का 15 वित्त आयोग का 7 करोड़ रुपया अभी आया है। स्टेट गवर्नमेंट का ना पंचायतों का पैसा आ रहा है, ना नगर परिषद में आ रहा है, और नरेगा में पैसा हर रोज माननीय मोदी जी करीब 125 करोड़ रुपये आज हम प्रदेश में दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जनता सब कुछ जानती है। जिस हिसाब का छलावा प्रदेश गवर्नमेंट ने किया था, आज वो छलावा सामने आ गया कि कहीं भी वो पूर्ति नहीं कर पा रहे। तो मैं चाहूँगा जनता जिस हिसाब से 5 साल हमारा काम देखा है और 2.5 साल में जो नकारा सरकार देखी है, उस सबको मानते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर एक सवाल और आपसे कि जैसे कि हरियाणा ये जो किसान जो आंदोलन चल रहा है प्रायोजित बताया जा रहा है हर मीडिया पे, सर क्या ये फंडिंग भी हो रही है ये भी मीडिया पे कहा जा रहा है, और ये सिर्फ क्या राजस्थान में किसान नहीं है या फिर और स्टेट में नहीं है, ये सिर्फ पंजाब से क्यों किया जा रहा है? देखिए मैं एक बात बता दूँ आपको कि इसमें कोई दोहरा की बात नहीं। जिस दिन से 2014 से बाद में चुनाव हुए और माननीय मोदी के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनी है, प्रधानमंत्री ने हमेशा किसान को अपना वो माना है, और 70% किसान को मानते हुए आज से पहले कभी भी मैंने आपको बताया कि हमने करीब 5-5 करोड़ रुपये जिले में बैठा अगर फसल खराब है दिया है, कभी 1.5-2.5 रुपये मिलता है। मैं आपके माध्यम से आज भी किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आप विश्वास करो कि जो चीज़ उन्होंने कहा है, आज से पहले हमने कोई वादा नहीं किया था आपको 6-6 हज़ार जो उनके हालात बीते हैं आप सब भली भांति जानते हो, इतने बड़ा विश्वासघात कोई नहीं कर सकता। जिस हिसाब से सचिन पायलट को आगे कर दिया और कह दिया इसको मुख्यमंत्री बना रहे, हमारा समाज मजबूर हो गया, एक एक वोट आप उनको दे दी कांग्रेस को, और उसके बाद में जो उसके साथ बीती है इससे बुरा हमारे समाज के साथ नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात आप बताओ, आपकी घरेलू लड़ाई घर के अंदर में आप खुद रोक नहीं पा रहे, और उठाकर आप कह रहे हैं अमित शाह जी के नाम ले रहे हैं, मोदी जी के नाम ले रहे हैं, आप इनसे पूछ रहे कौन आ रहा है यहाँ पर? आपके विधायक को कोई नहीं छेड़ रहा, आप ही बताओ खुद आपके 100 पूरे नहीं हो रहे थे, आप जिस हिसाब का है BSP को तोड़ रहे हो, अरे आप खुद तो अपने आप को घर को संभालो, जब आपको घर नहीं संभाल पा रहा उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ना गवर्नमेंट बनाना चाहती है, ना भारतीय जनता पार्टी किसी MLA तोड़ना चाहती है, और ना ही हमारे इस बात का कोई इरादा है। पहले भी क्लियर थे आज भी क्लियर है, लेकिन अब उसका मतलब माल सुन ही नहीं रहा, थाली से बिखर के बाहर आ रहा है, तो हमारा दोस्त नहीं है, वो अपने घर को